बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल इस्लामिक हेल्थ पावर में। आज इंशाल्लाह हम आपको नीम के तेल के फ़वाद से आगाह करेंगे। बेहतरीन स्किन रिजल्ट लगता है। अनगिनत फ़वाद नीम के तेल में शामिल हैं। ये ऑयल नीम सीड से हासिल होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अमूमन इसका इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद आगे पढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। स्किन के लिए बेहतरीन बेनिफिशियल रिजल्ट रखता है नीम का तेल। ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन फ़ायदेमंद है। मौसम की तब्दीलियों के साथ साथ स्किन खुश्क होना शुरू हो जाती है, लोग परेशान। नीम का तेल जिस्म की खुशबू को काफ़ी हद तक दूर करता है। फेस मॉइस्चराइजर कम होने की वजह से जो चेहरे पर झुर्रियाँ और लाइंस नमूदार होना शुरू हो जाती हैं उनका बेहतरीन हल है। सस्ता और आसान सा चेहरे की झुर्रियों को काफ़ी हद तक कम करता है। चेहरे पर दाने, मैल, कुचैल सफाई के लिए बेहतरीन नीम का काम सा अंजाम देता है। जिन लोगों के चेहरे पर ज़्यादा मस्से और तेल हैं, नीम के तेल जेंटली रब करने से झड़ जाते हैं। नीम का तेल स्किन एलर्जी में बेहतरीन फ़ायदेमंद है। एंटी फंगल है, एंटी इन्फेक्शन है, सोराइसिस, एक्जिमा, एक्नी, एलर्जीज़ में फ़ायदा पहुंचाता है। डायरेक्ट अप्लाई भी किया जा सकता है, ज़ख्मों को जल्दी भर देता है। मगर फेस पर और बालों पर अप्लाई करने से पहले हाथ की स्किन पर अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर रहता है ताकि अपनी स्किन की सेंसिटिवनेस को जाना जा सके, क्योंकि बाज़ लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनको एलर्जी भी कर जाता है। इसलिए बेहतर रहता है कि जिनकी स्किन सेंसिटिव हो वो हाथ पर इसका ट्रायल पहले ज़रूर ले लें। बआसानी कॉटन को तेल में डिप करके फेस पे लगाया जा सकता है। फिर कुछ देर बाद नीम गर्म पानी से चेहरे को धोया जा सकता है। आँखों में जाने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल मुनासिब नहीं रहता, स्किन की सॉफ्टनेस को बरकरार रखता है। नीम का तेल अगर बालों की जड़ों में लगाया जाए तो जुओं का खात्मा करता है, खुश्की ख़त्म करता है, जल्द बालों को सफ़ेदी से बचाता है। स्किन हेल्थ कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बाज़ार में आसानी तौर पर बने बनाए स्किन नीम ऑयल, हेयर नीम ऑयल बआसानी तौर पर मिल जाते हैं। किसी दूसरे तेल के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एलोवेरा के जेल में नीम ऑयल को मिलाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो डबल बेनिफिशियल रिज़ल्ट देता है। इंशाल्लाह हम आगे भी आपको नीम के पत्तों के मुकम्मल फ़वाद से आगाह करेंगे। नीम वाकई एक हकीम की हैसियत रखता है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सदका जारिया के तौर पर शेयर ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।